वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन से निजी स्कूलों से कम वेतन पर काम करने वाले शिक्षकों की कमर टूट गई है। लगातार स्कूल बंद होने से बच्चों की फीस नहीं आ रही है, नतीजा शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं। और रायपुर के सरस्वती शिशु मंदिर, रामकृष्ण विद्यालय, आदर्श नगर विद्यालय, प्रज्ञा विद्या मंदिर के साथ ही कई स्कूल के शिक्षकों को लंबे समय से स्कूल बंद होने से वेतन की समस्या हो रही है। इस मामले में प्राचार्य विनोद पांडे ने बताया कि महीने किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं मिला है और आगे काफी समस्या होगी। हम सबका विचार यही है। पर्सनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो विद्यालय है वो पूरा फीस पे चलता है और ये अभिभावकों से जो शुल्क हमारे पास आती है उससे ही हम पूरा मेंटेन करते हैं विद्यालय की सारी व्यवस्था और वेतन। परीक्षा दिलाने नहीं आए तो उनको फीस देने के लिए बोल नहीं पाए हम लोग, और इस वजह से अभी मई महीने का वेतन के लिए तकलीफ हो रही है। मई का जो वेतन अभी रुका हुआ है, अप्रैल का वेतन हमें बड़ा मुश्किल से मिला है, जिससे कि क्या है अभी परिवार में और भी सामान है, राशन पानी है, उसको भरने में दिक्कत आ रही है, और भी अदर जो घरेलू आवश्यकता सामान है